अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं और पेड़ों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपने कई तरह के पेड़ देखे होंगे, लेकिन आपको इनका नाम पता होगा या नहीं होगा, लेकिन किस काम से आते हैं ये तो जरूर पता नहीं होगा। लेकिन अब आपको खुद पेड़ अपना परिचय देगा, खुद पेड़ बताएगा अपना नाम और अपने गुण। इस रिपोर्ट में देखिए। पेड़ बताएगा अपना नाम और काम, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी। रविशंकर विश्वविद्यालय की पहल, QR कोड में पेड़ों की पूरी कुंडली। पेड़ पौधों के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उनका नाम, उनके गुण बहुत कम लोग जानते हैं। कई पेड़ औषधि के रूप में काम आते हैं, लोग इसके महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अब आपको पेड़ ही बताएगा कि उसका नाम क्या है और उसका क्या गुण है। यहाँ पर जो कैंपस में बहुत सारे जो सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उस पर QR कोड लगाया गया है और एक स्कैन के बाद ये आपकी पूरी जानकारी आपके हाथों पर होगी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साथ ही साथ इसका उपयोग कहाँ का वहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है और किस तरह से दवाएँ बनाई जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि पौधों के संरक्षण और जानकारी के लिए यहाँ पर एक नायाब जो पहल है वो किया गया है और इसे सारी जानकारी है आपको इसके करते ही मिल जाएगी। दरअसल रायपुर में रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से पहल की गई है। प्रोफेसर और छात्रों ने कैंपस के 200 से ज्यादा पेड़ों पर QR कोड लगाया है। इस कोड को स्कैन करने के बाद आपको उसकी प्रजाति और उसके उपयोग के बारे में जानकारी मिलेगी। QR कोड लगाकर जैव प्रौद्योगिक विज्ञान विभाग ने पेड़ों की पहचान को आसान बना दिया है। कोड को स्कैन करते हैं तो उस ट्री के बारे में पूरी जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ आपको सामने आ जाती हैं कि वो पौधा कहाँ मिलता है, उसमें कौन किस तरह के फल लिखते हैं, उसका क्या उपयोग होता है, उसकी जड़ से क्या होता है, या अगर उसका कोई फल से उपयोग है या उसके पत्तियों का कोई यूज़ है तो उस बारे में सारी जानकारी दी गई है। प्रदेश में कई ऐसी प्रजाति के पेड़ हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे में पेड़ों पर QR कोड लगाना पेड़ पौधों की पहचान के लिए कारगर साबित होगा। न्यूज 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी की रिपोर्ट।